ये कश्मीर नहीं बिहार का मुजफ्फरपुर जिला है, जहां शुक्रवार को सुबह तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि हुई है। देखने में इसे आंखों को एक पल के लिए सुकून मिल सकता है, लेकिन यहां के किसानों को इसे दोहरी मार पड़ी है। सैकड़ों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है, जिसमें गेहूं, पपीता, दलहन, मक्के की फसल शामिल है। हालांकि सिर्फ फसल ही नहीं, दर्जनों घर भी तेज आंधी की चपेट में पूरी तरह से तहस नहस हो गए। खास तौर पर मुजफ्फरपुर जिले के औरई प्रखंड के सरहचिया, मधुबन प्रताप, सहिया बल्ली, जनार और दक्षिणी इलाकों में किसानों को चपत पड़ी है। इस बारे में किसानों का क्या कहना है, आप भी सुनिए। भिंडी ये सब जजात नष्ट हो गया, कर्ज पर लेकर किए हुए थे, गेहूं था, किरैया था, मक्का था, ये सब कर्ज था, सब थुआ थुआ हो गया। खेत में बहुत ठोन पत्थर लगा हुआ है, बहुत ठोन पानी है, उसी में सब समाप्त हो गया। जो अब लोन पर हम लोग लेकर किए थे, 5 रुपए सैकड़ ब्याज पर लेकर किए थे, अब कोई उपाय नहीं। हम लोग किसान है, किसान खाते उपजे पर रहते हैं, हम लोग कर्जा महाजन लेकर के खेती किए हैं, और देखिए सारा के सारा बर्बाद हो गया। कहाँ से लाएंगे हम लोग पैसा जो सदेगा, व्यापार कहाँ से कर्जा महाजन सदेगा, यही है। अब क्या कहिए, 1.5 बीघा खेती की हुई थी, सब बर्बाद हो। बारिश और ये ओला गिरने से, ये सब पत्थर गिरने से, हवा बिहार से, सब यही सबसे क्षति हुआ है। कुदरत ने तो किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया, अब पीड़ित किसानों की मांग है कि सरकार कम से कम उन्हें मुआवजा मुहैया करा दे, ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहिए किसान तक के साथ। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है किसान तक। खाना है तो उगाना है।